हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है बताने वाला हूं कि जो भी भाई फ्रेशर बेल्डर हैं या फ्रेशर गैस कटर हैं या फ्रेशर फिटर या फैब्रिकेटर हैं, तो उनको आसानी से जॉब कैसे मिलेगा। क्योंकि काफ़ी सारे भाई ये कमेंट करके जो है पूछते हैं कि भाई मुझे जॉब कैसे मिलेगा, क्या आप वीजा दोगे क्या। तो देखो, मैं सिर्फ आपको जानकारी देता हूँ, मैं वीजा उजा वाला काम नहीं करता हूँ बस। तो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि आपको मिलेगा कहाँ से, मतलब आपको फ्रेशर लोग जो है भाई, ये उन्हीं लोगों के लिए बता रहा हूँ क्योंकि फ्रेशर लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। वो बम्बई में, दिल्ली में, सूरत में, गुजरात में काम करते हैं, लेकिन उनको कोई आइडिया नहीं है, यहाँ तक कि उनके पास सीवी रुजूम भी नहीं है। तो आपके पास सीवी रुजूम नहीं है, अगर सिर्फ पासपोर्ट आप बना लिए हैं, तो अपना पासपोर्ट ले जाके, ये मान के चलो आप चाहे फादर इंगल या अनूप टेक या मोरा टेकरा सूरत में, मतलब जो SR इंजीनियरिंग है, वहाँ से आप टेस्ट मार सकते हैं बेल्डिंग का, इलेक्ट्रीशियन का, गैस कटर का, फिटर का, फैब्रिकेटर का, वहाँ पे टेस्ट लिया जाता है। तो आप वहाँ पे जब टेस्ट देंगे ना, तो वो टेस्ट का सर्टिफिकेट बना के देते हैं। तो क्या क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि सीधा सीधा टेस्ट मार के डायरेक्ट वहीं से क्लाइंट जो है आपको मतलब उठा लेते हैं। मतलब जैसे आप गए वहाँ पे, जॉब का पहले ही वांट वहाँ पे लिखा रहता है कि फला डेट को यहाँ पे इस चीज़ का टेस्ट है, सैलरी क्या है और कितना कितना क्वांटिटी में आदमी चाहिए। तो वहाँ पे पहले से ही वो लोग मतलब कि बोर्ड लगा के रखते हैं। आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि आपसे टेस्ट लिया जाएगा। तो जो भी आप काम करते हैं उसी चीज़ का आप टेस्ट दीजिए। ड्राइवर का भी होता है, ड्राइवर का भी टेस्ट मतलब लिया जाता है, लेकिन ड्राइवर का बहुत कम होता है। लेकिन जो ये टेस्ट सेंटर है, जो अनूप टेक हो गया और उसके बाद फादर इंगल हो गया और आयशा सेंटर हो गया, तो यहाँ पे नॉर्मल जो मिस्त्री वगैरह होते हैं, घर जोड़ैया का जो काम करते हैं, वो भी मतलब सारा कुछ होता है। फर्नीचर वालों का, कारपेंटर जो हैं, उसका भी पूरा टेस्ट होता है। तो जिस जिस चीज़ का आप काम करते हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं है कि किस तरह से विदेश में जॉब मिलता है, चाहे कुवैत हो, सऊदी हो, दुबई हो, बहरीन हो, मस्कत हो, गल्फ कंट्री में या यूरोप कंट्री में, कहीं पर भी आप जाने के लिए तैयार हैं, तो आपको अगर आइडिया नहीं है तो आप इन सभी जगहों पर जाओ। अगर आपको एड्रेस वगैरह नहीं मालूम है तो मुझे कमेंट करो, मैं एड्रेस वगैरह भी आपको दे दूंगा, कमेंट में मैं पिन कर दूंगा कि कहां पे एड्रेस है। तो जो भी भाई मान के चलो कारपेंटर हैं या गैस कटर हैं, फिटर हैं, फैब्रिकेटर हैं, बेल्डर हैं, फ्रेशर हैं, वो कहीं से भी उनको आइडिया नहीं मिल रहा है, वो आँख बंद करके मुंबई में जाएं। और मुंबई में जाते समय ऐसा नहीं कि सिर्फ जॉब के लिए जाओ, मुंबई में आप जाओ तो वहाँ पे कुछ दिन काम भी करो, साथ ही साथ जब जब वांट निकलता है तब तब वांट देख के आप वहाँ पे चले जाओ, मतलब इंटरव्यू देने के लिए। तो इंटरव्यू देने के लिए जब आप जाएंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको जो है बता दिया जाएगा कि कैसे क्या करना है। तो आप चाहे किसी भी फील्ड का काम करते हो, अगर वहाँ से जाके इंटरव्यू देंगे, टेस्ट मारेंगे, तो कभी कभी कैसा होता है टेस्ट सर्टिफिकेट आपको देते हैं। अगर टेस्ट सर्टिफिकेट देंगे तो उसके लिए 1200 से 1500 रुपया लेंगे वो लोग। अगर डायरेक्ट वहाँ पर टेस्ट वाला आया हुआ है कोई बंदा आपको ले जाने के लिए, तो डायरेक्ट आप टेस्ट देंगे, आप पास होएंगे तो उसी के आधार पर आपको तुरंत वो जॉब के लिए एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रेशर लोगों को जॉब मिल सकता है। और जो भी भाई हेल्पर में आना चाहते हैं, जो कंपनी में जाना चाहते हैं, कहीं पर काम नहीं किए हैं या मुंबई में काम कर रहे हैं, हेल्पर में जाना चाहते हैं, तो वो किस तरह से जाएंगे, वो भी ये मैकेनिकल हेल्पर का काम, जैसे ग्राइंडर हो गया और गैस कटर हो गया, थोड़ा बहुत अगर आपको चलाना आता है तो मैकेनिकल हेल्पर में आप मतलब जा सकते हैं। तो फ्रेशर में जो भी भाई हैं, जो भी आने के लिए मतलब कि परेशान है, उनको कहीं से नहीं मिल रहा, तो यहाँ से जॉब आपको 100% मिलेगा। तो यहाँ से आप ज़रूर जाके जो है ट्राई कीजिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। बाकी जो कुछ भी पूछना है, कमेंट करना है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है, साथ ही साथ व्हाट्सअप का मैंने नंबर ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है, आप वहाँ पर मुझसे संपर्क करेंगे तो मैं सारा कुछ आपको बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। तो चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद रहेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।